हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ हीरो ऑल बाइक रिपेयर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारे पास आज यामाहा की R15 बाइक आई है और आज हम इसको बताने वाले कि इसका फ्यूल पंप जो है जाम हो गया और हम इसको सही करेंगे, तो देखते हैं कैसे सही होगा। तो देखिए, हमने इसकी टंकी जो है उतार के नीचे रख ली और अभी मैं सिर्फ इसकी वीडियो बना रहा हूँ। और ये हमारे फ्यूल पंप का जो सॉकेट था इसमें लगता है और हमारी जो पाइप है ये देखिए डायरेक्ट फ्यूल पंप में जाती है। देखिए टैंक है और ये हमारा फ्यूल पंप ओपन हुआ है। देखिए दोस्तों, इसका फ्यूल पंप और इसका जो फ्लूड मीटर होता है दोनों एक में होता है, जिससे कि हमारे फ्लूड मीटर हो गए और ये हमारा फ्यूल पंप हो गया। तो और ये काम नहीं कर रहा है, पूरी तरह से जाम पड़ा हुआ है। तो क्यों जाम है आखिर, अभी खोल के आपको आगे के प्रोसेस में मैं बता रहा हूँ कि आखिर ये जाम क्यों है और ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो बस इसको हम ओपन करने जा रहे हैं, तब तक के वीडियो को लाइक करें और बने रहे हमारे वीडियो में, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अभी हमारा जो है काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल ये इसमें जो गंदगी थी हमारे फिल्टर पे, वो हम एयर कंडीशन से साफ कर रहे हैं। बाकी हमारा अगर जाम करेगा तो फिर फोन खोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तो नहीं खोलना चाहिए जब तक ये जाम ना करे मोटर। मोटर जाम करेगा वही काम हमारे पास, इसको ड्रेन साफ कर सकते हैं।